तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल DC Academy में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही छोटा पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात करेंगे आज के इस सेशन में यूज ऑफ फार्दर एंड फार्दर, यूज ऑफ फर्दर एंड फार्दर। तो यूज ऑफ फर्दर और फार्दर को पढ़ने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स को भी देखना है, और फर्दर और फार्दर के बीच में जो रिलेशन होता है, क्या इनका अर्थ होता है, उनको भी अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखिए, फार्दर और फर्दर ये दोनों के दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। तो अगर ये कंपैरेटिव डिग्री हैं तो इनका कोई ना कोई पॉजिटिव डिग्री भी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फार्दर आया है फार से, अब फर्दर आया है फोर से। फार का अर्थ होता है दूर, जबकि फोर का अर्थ होता है आगे का। तो फर्दर का अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक दूर। और फर्दर का जो अर्थ हो जाएगा वो होगा कुछ और या इसके अतिरिक्त। ये एक्चुअल इसका मैंने जो है हिंदी अर्थ लिख दिया है। फर्दर का यूज कुछ और या इसके अतिरिक्त के सेंस में किया जाता है, जबकि फार्दर का यूज अधिक दूर के अर्थ में किया जाता है। अब देखिए, कुछ ग्रामेरियन जो है फर्दर का यूज अधिक दूर के अर्थ में भी करते हैं। जिस प्रकार से फार्दर का यूज किया गया है उसी प्रकार से फर्दर का भी यूज बताया जाता है कि होता है। तो ये बात सच है कि फर्दर का यूज अधिक दूर के अर्थ में भी किया जा सकता है जिस प्रकार से फार्दर का यूज किया जाता है। लेकिन हमको अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है और बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है तो हमको सिर्फ कुछ और इसके अतिरिक्त और ये अधिक दूर को ही समझ। अब आइए, अब इसको एग्जांपल के माध्यम समझते हैं, तब जाकर के इसके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे लिखा हो दिल्ली इज, दिल्ली इज फार्दर देन कानपुर फ्रॉम लखनऊ। दिल्ली इज फार्दर देन कानपुर फ्रॉम लखनऊ, यानी कि दिल्ली जो है फार्दर, अधिक दूर है कानपुर से। लखनऊ कानपुर के तुलना में दिल्ली ज़्यादा दूर है फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से। यानी कि लखनऊ से, अगर हम यहाँ लखनऊ से देखें तो दिल्ली की जो दूरी है वो कानपुर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर फार्दर का जो यूज किया गया है वो अधिक दूर के अर्थ में किया गया है। अब जरा एक फर्दर का यूज कर लें, लिखा जाए डोंट डिले एनी फर्दर। अब और आगे कोई जो देरी न किया जाए, यानी कि इसके अतिरिक्त और आगे देरी न किया जाए। तो यहाँ पर क्या है रहा, कुछ और या आगे, यानी कि अब कुछ और जो है देरी न किया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्दर का यूज जो हुआ है वो कुछ और के सेंस में हुआ है, और यहाँ पर फार्दर का जो यूज हुआ है वो अधिक दूर के लिए हुआ है। तो ये है फार्दर और ये है फर्दर का यूज। देखिए, इसका जो सुपरलेटिव होता है, इसका जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है वो फार्देस्ट होता है। फार्देस्ट, इसका सुपरलेटिव फॉर्म जो होता है वो फार्देस्ट होता है। उसका भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम, लिखा जाए विच इज़ द फार्देस्ट स्टार फ्रॉम हेयर। मतलब यहाँ से सबसे अधिक दूर का स्टार कौन सा है। तो यहाँ पर फार्देस्ट का यूज किस रूप में हुआ है, अधिक दूर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर। तो यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है। और फर्दर का अगर हम बात करें तो इसका सुपरलेटिव होता है फर्दर मोस्ट, जिसका यूज आपको न के बराबर देखने को मिलता है। तो आपके इसके सुपरलेटिव को जो है समझना भी नहीं है, केवल इसका सुपरलेटिव कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा फार्दर का। तो
तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताया कि फादर का यूज अधिक दूर के अर्थ में, फर्दर का यूज कुछ और या इसके अतिरिक्त के अर्थ में किया जाता है। यही कॉन्सेप्ट को हमको समझना है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमको अपने आगे की जो है एजुकेशन सिस्टम को बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ उन तक भी पहुँच सके। तो स्टूडेंट, फाइनली देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।